यस, टुडे आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। जैसे ही प्रमोटर ने फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसके दिमाग में जो आइडिया आया था, अब उसने उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, वो सोच रहा है कि इसे आइडिया जो है, इस आइडिया को मैं एग्जिस्टेंस में लेके आऊँगा, ठीक है। पर एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उस आइडिया की इनकॉर्पोरेशन करवानी, रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर दिस आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन इनिशियल एक्टिविटीज। हमें यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने पड़ेंगे कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफिस में। देयरफॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड। जैसे ही आपके रजिस्ट्रार के पास आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इंक्वायरी करवाएगा कि जो भी इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या वो करेक्ट है, ठीक है। जैसे ही वो इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, तभी वो आपको क्या, आपकी जो कंपनी है वो क्या कर देगा, उसे रजिस्टर कर लेगा, अपनी कंपनी अपनी रजिस्टर पे आपकी कंपनी का नाम लिख लेगा, ठीक है। तभी आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। देयर आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव, ठीक है, तभी आपको क्या मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आफ्टर डिपोजिंग अ सर्टन फीस। इसके लिए कुछ प्री प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है जो आपको जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तभी आपने करवानी है, ठीक है, सबमिट करवा देनी है फीस, और इसके बाद आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। अ कंपनी कम इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर हमने क्या करा था, हमने थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी, जिसमें हमने पब्लिक कंपनी पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी और वन पर्सन ओपीसी पढ़ी थी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो जैसे ही आपने प्राइवेट और ओपीसी की बात करें, ठीक है, और ये जो कंपनियां हैं दोनों ही, या फिर थर्ड केस में अगर आपने पब्लिक कंपनी के केस में भी अगर आपने पब्लिक से जो कैपिटल है वो कंपनी पब्लिक से इकट्ठी नहीं करनी, ठीक है, तो आपने इस केस में, ये तीनों ही केस जो हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर अगर कोई हमारी ऐसी कंपनी जो अपने शेयर सब्सक्राइब करना चाहती है, लेना चाहती है, जो हमारी पब्लिक है उनसे, वो नहीं शुरू कर सकती कभी भी पब्लिक कंपनी, ठीक है, प्राइवेट भी कर सकती है, ओपीसी भी कर सकती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। टिल द टाइम कंपनीज ने नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ कंपनी। पर जब तक कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप उस कंपनी को कंपनी नहीं बोल सकते। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स, ठीक है। अब ये नीचे दे रखे हैं, फॉलोइंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करता कौन है, प्रमोटर्स करते हैं, ठीक है, हमारे प्रमोटर्स जो हैं उनके द्वारा ये कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ हैं क्या है, फर्स्ट क्या है, रजिस्टर ऑफिस। सबसे पहले तो कंपनी को ये देखना पड़ता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, ये डिसाइड करना पड़ता है। और मोस्टली सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्टेट में लगाना है, क्योंकि अगर आप पंजाब में लगाओगे अपनी कंपनी का, जो रजिस्टर ऑफिस पंजाब में होगा, ठीक है, पंजाब स्टेट में होगा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन पंजाब में ही करवानी पड़ेगी। अगर हरियाणा में होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा में करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस विल बी लोकेटेड। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमारी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपने अपनी कंपनी के सारे अकाउंट्स जो हैं वो रखने हैं। इन फ्यूचर आपकी कंपनी में कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई पर्सन आ जाए, टैक्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देखनी हो, आपके अकाउंट्स चेक करने हो, ऑडिटिंग करनी हो, ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करनी है अपने अकाउंट्स की आपके, ठीक है, तो उसने चेकिंग करनी हो तो वो कहाँ जाए, ठीक है, तो ये एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ के जहाँ पर आपके सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं एवरी टाइम, ठीक है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय प्रमोटर, ये डिसीजन कौन लेता है, प्रमोटर लेता है कि कहाँ पर किस स्टेट में हमने अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लगाना है। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो बिकॉज द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज दैट स्टेट, ये जरूरी है, नेसेसिटी है, मस्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहीं पे ही उसी स्टेट में आपकी कंपनी की क्या होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, वेयर इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, अब आपने नेक्स्ट कंपनी का नाम डिसाइड करना है, कितने फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इट शुड बी कन्फर्म्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस वेदर द परमिशन फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट, ठीक है, जो भी आपने नेम डिसाइड किया है वो भी आपको रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रार है वही प्रोवाइड करेगा नाम भी कंपनी का कि हाँ आप ये लगा सकते हो, ये नाम आप रख सकते हो, क्योंकि जो आपकी कंपनी का नाम है ना वो भी किसके अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग टू ही होना चाहिए, तभी उसकी ग्रांट मिलती है, तभी रजिस्टर ऑफिस आपके जो नाम है उसकी हाँ में भरता है कि हाँ जी आप ये कंपनी शुरू कर सकते हो इस नाम से। और जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपकी कंपनी का नाम है वो कभी भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शनेबल कौन से नाम को करती है, कि आपका नाम किसी एक्सप्रेस, इम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अगर जैसे या फिर यूएनओ या फिर डब्ल्यूएचओ की सील अप्रूव्ड आप हैं अपने है, उसमें रख लें, कोई ट्रेडमार्क वो यूज़ करने लग जाएँ, सील वो यूज़ करने लग जाएँ जो यूएनओ या फिर डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड टू हैं, या फिर आप अपने जो स्टेट है या फिर सेंट्रल का वो कोई एम्बलम यूज़ करने लग जाए, ये सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, ना ही आप किसी अदर कंपनी से रिलेटेड टू कंपनी, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस जो है वो ऑलरेडी कंपनी चल रही है और आपने भी अपनी कंपनी का नाम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड रख लिया है, ठीक है, तो ऐसा है जो है वो सारे ही रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू ये सारे ही रिस्ट्रिक्टेड है, आपने रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग टू नहीं रखना है, ठीक है। Hence the name of the company should not be similar to the name of same already existing company, आपकी कंपनी का नाम सेम नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी चल रही है, should not be objectionable by central government, और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा objectionable होना चाहिए। At the end of the name company, अब कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो वहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखोगे, और अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड वर्ड ही लिखा जाएगा। लिमिटेड क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी की जो लाइबिलिटीज वो तो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ओबीसी, ओबीसी के केस में आपको पीछे पूरा नाम ओबीसी लिखना पड़ेगा, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1951, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें रजिस्ट्रेशन जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट लाइसेंस आप कोई वो कर नहीं सकते आपकी कंपनी, ठीक है, जैसे कि आप जो देखते हो जो वो कंपनीज होती हैं जिसमें दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है ना, या फिर अल्कोहल जो अल्कोहल की कंपनीज होती हैं, पेट्रोलियम होती हैं, ठीक है, इन सभी में हमें लाइसेंस कंपलसरी होता है, तो अगर आपकी कोई कंपनी ऐसी है जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी होना चाहिए, आपने वो भी अरेंज करना है। कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैड पास्ड द अबव एक्ट, अब गवर्नमेंट ने ये पास किया इन 1953 में, मेड सम अमेंडमेंट्स इन इट, ठीक है, 1953 में उसके में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं 1951 वाले जो एक्ट में। इफ़ द कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस लगा रहे हो फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज कंपल्सरी है, देन एन एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू गेट सच लाइसेंस, ठीक है, तो पहले आपको लाइसेंस भी अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस
सेलेक्ट किया कि हम इस स्टेट में लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, लाइसेंस पहले उसे लाइसेंस को, लाइसेंस क्या होता है, एक परमिट, एक परमिशन होती है कि हमें सरकार ने परमिशन दे दी है, ये लाइसेंस हमें मिल गया है, ठीक है। तो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। सच एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू द सेक्रेटरी ट्रेड और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये हमें यहाँ पे पहुँचाना पड़ता है और यहाँ से ही हमें क्या मिलती है, परमिशन मिलती है टू मेक। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद ना हमें जो नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं अपॉइंटमेंट्स, वो करनी पड़ेंगी, ये मस्ट हैं हर एक कंपनी के लिए। फर्स्ट क्या है, अंडरराइटर्स, नेक्स्ट इज़ ब्रोकर्स, ठीक है। अब देखो अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है, अंडरराइटर्स होते हैं हमारे जो हमसे लिख के ले लेते हैं कि हम आपके इतने शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स जैसे नाम से ही पता चलता है, अंडरराइटिंग में लिख के ले लेते हैं ये कि हम आपके शेयर्स बेच देंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ना दो पर्सन है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए तो मेरा अंडरराइटर है, ठीक है, और नेक्स्ट मिस्टर बी है जो वो मेरा ब्रोकर है। यहाँ पे मेरे पास दो पर्सन, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो मेरा है अंडरराइटर, ठीक है, और जो मिस्टर बी है वो है मेरा ब्रोकर, ठीक है, दलाल है, ठीक है। अब मैंने अंडरराइटर को 100 शेयर दिए, ब्रोकर को भी 100 शेयर दिए। अब अंडरराइटर क्या करेगा, जो जितने भी मेरे शेयर बिक गए, मान लो मेरे शेयर बिके हैं सिर्फ 40, तो बाय कर लिए पब्लिक ने, पब्लिक ने ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 60 शेयर बच गए वो मुझे वापस नहीं करेगा, वो खुद खरीद लेगा, अंडरराइटर खुद खरीद लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरराइटर्स की कमीशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू ब्रोकर्स। इनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको हम इतनी कमीशन देंगे, पर ब्रोकर्स की कमीशन किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनके नंबर ऑफ शेयर होल्ड के ऊपर। मान लो इस केस में मेरे शेयर बिक गए 60 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कितने खरीदे थे, ओनली 40 अंडरराइटिंग के केस में। यहाँ पे मेरे 60 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक ने खरीद लिए, जो 40 शेयर हैं वो मेरा ब्रोकर मुझे लाके वापस दे देगा कि लो मैडम जी आपके शेयर ये बिके नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 60 शेयर्स के ऊपर जितनी कमीशन बनती है वो दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के पर्सन्स होते हैं, आपने शेयर अंडरराइटर्स के थ्रू बिकवाने हैं, ब्रोकर्स के थ्रू बिकवाने हैं, तो आपको उसकी अपॉइंटमेंट पहले ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके बैंकर्स कौन होंगे, बैंकर्स कौन होते हैं जो हमारे शेयर्स कलेक्ट करवाते हैं, लीगल एडवाइज़र कौन होगा, ये भी मस्ट है हमारी कंपनी में, और ऑडिटर्स करने, ठीक है ना, अपॉइंट। ऑडिटर्स का मतलब जो चेक करेंगे हर टाइम टू टाइम अकाउंट्स को, एंड द नेम ऑफ पीपल हु विल बी साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडिंग। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन साइन करेगा, ये भी हम क्या करते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कौन करता है, हमारे डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये कितने लोग होते हैं, 7, और प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते हैं, 2। ओपीसी में कितने होता है, ओनली 1 डायरेक्टर, ठीक है। वैसे वो मैक्सिमम 15 लोग रख सकती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पर यहाँ पे जो मिनिमम है वो 1 ही है, ठीक है, ओपीसी के केस में। नेक्स्ट, टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। अब हमने यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में जाने से पहले ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अपने तैयार करवा लेने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कितने, द मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड, ठीक है, इनको प्रिंट करवाना है आपने। नेक्स्ट, सेंडिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। लो जी, अब हमारा ये सारा जो है, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस डिसाइड कर लिया कहाँ पे लगाना है, नेम कंपनी का डिसाइड कर लिया, लाइसेंस हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट्स कर लिए हैं, ये कौन कौन से पर्सन हमने रखने हैं, अंडर राइटर्स रखने हैं, बैंकर रखने हैं, हमने लीगल एडवाइज़र होगा, हमारे ऑडिटर्स होंगे, ठीक है। फिर ये हमने ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो भी कर लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, हमने ये दो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए जो जिसके बारे में हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन, ठीक है। अब ये जो फाइल तैयार हो गई है इसको लेके हम कहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रिलिमिनरी वर्क, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो किसको प्रेजेंट करेगा,
ये रजिस्ट्रार को, ठीक है, जिस जहाँ पे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है जिस भी स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद टू रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑफ दैट स्टेट वेयर द कंपनी हैज़ रजिस्टर ऑफिस, पर ये कौन सी स्टेट होगी, जहाँ पे भी आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट से, उसे लगेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बिल्कुल करेक्ट मुझे प्रोवाइड कर रखी है, वो इंक्वायरी करेगा पहले, ठीक है। इंक्वायरी के बाद जब वो फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा तब वो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा। अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार, फर्स्ट क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको चार्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना तो शुरू हो ही नहीं सकती। नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या दिखाया जाता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों लगाई गई है कंपनी, एंड डिटर्म द लिमिट ऑफ अथॉरिटी, इसमें यह भी बताया जाता है कि क्या अथॉरिटी की लिमिट है आपकी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टन बेसिक पॉइंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड is permitted, इसमें जो डिटेल इन आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लाउजेस होते हैं, 6 क्लाउजेस हैं ये, ठीक है, जिसमें हम डिटेल पॉइंट्स बताते हैं, हम बताते हैं हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी कंपनी की जो लिमिट है, जो हमारी कंपनी की वो है लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो लिमिट्स, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ डिफाइन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन की हमें क्या मिलती है, परमिशन मिलती है, इसी को ध्यान से देखने के बाद, ठीक है। इन पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी मिनिमम 7 एंड प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 पर पीपल शुड साइन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। कौन कौन करते हैं, सिर्फ इसके जो मेन डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, ईच सिग्नेटरी मस्ट हैट लीस्ट 1 शेयर ईच, ये ना पहले थी कंपल्शन, अब हम जैसे मैंने आपको बोला है कि कंपनीज एक्ट जो है पहले था 1956, अब क्या आ गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट था ये, ठीक है। अब कौन सा आ गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट आ गया है हमारा 2013। अब ये ना रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है, चलो अब हम 1956 के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दिया हुआ है तो देख लेते हैं, पर यहाँ पे 2013 में बच्चे ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ख़त्म हो चुकी है, ये नहीं है हमारे पास। कितनी ईच सिग्नेटरी, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, हर पर्सन के पास मस्ट हैव एट लीस्ट 1 शेयर ईच, हर एक पर्सन के पास कंपनी का एक शेयर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और जो शेयर कंपनी का हमारे डायरेक्टर्स खरीदते हैं उसको हम बोलते थे क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स बोला करते थे, ये हर एक पर्सन के पास होना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी है, डायरेक्टर्स को क्या पड़ी है कि वो जो हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर का मतलब जिन्होंने कंपनी के मालिक बनना होता है, वो तो चलो खरीद लें अच्छी बात है, ठीक है, पर डायरेक्टर्स क्यों खरीदे कंपनी के शेयर अगर उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। पर बच्चे अब आप ध्यान से सोचो कि अगर आपका कोई पर्सन, ठीक है ना, अब देखो हमें पता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो हम किसके ऊपर रखते हैं, सैलरीज़ के ऊपर रखते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट है, कंपनी में काम करने वाले जो हैं वो और लोग होते हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं वो और लोग होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पैसा जो है वो सारे का सारा इनके हवाले कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ये हमारे पैसे के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे ये तो हमारे पैसे के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टर्स जो हैं वो अननेसेसरली एक्टिविटीज़ भी कई बार परफॉर्म करनी शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है हमारा कौन सा कोई पैसा लगा हुआ है। बट इन केस इन पर्सन्स के हम कम से कम 10% शेयर, चलो 10 नहीं, इन्होंने एक शेयर बोला हुआ है, ठीक है, चलो 10% हो गए, तो 10% शेयर भी अगर लगा लें हम, कहने का मतलब अगर कंपनी में 10 लाख रुपये की कैपिटल है, ठीक है, तो इनका जो शेयर है 10 लाख कैपिटल में कम से
कम 1 लाख का शेयर, ठीक है ना, तो इनका हो तो ये लोग सोच सोच के वो पैसा खर्च करेंगे कि नहीं हमने पैसा खर्च करते हुए 100 बार सोचना है। क्यों? क्योंकि हमें तो कितना मिलेगा, सिर्फ 10% ही मिलेगा। अगर कंपनी 9,000 रुपये कमा रही है तो हमारी जेब में तो सिर्फ 900 रुपया ही जाएगा, ठीक है। तो ये लोग बहुत सोच सोच के अपना कदम रखेंगे। तो ये जो था ये क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स इसको बोला करते थे कि इट रेफर्स टू दो शेयर विच अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू पे, डायरेक्टर को रिक्वायर्ड टू बाय, सॉरी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बाय का मतलब कि उनको खरीदने पड़ने थे ये, ठीक है ना, ये कंपल्सरी था। इंश्योर टू हैव सम स्टेक इन द प्रपोज्ड कंपनी, ताकि उनका भी स्टेक का मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंपनी में बना रहे, ठीक है। ये तो है, पर यहाँ पे आपके इसके अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है कि दिस शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पहले स्टैम्प लगाई जाती है, फिर डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं। विदाउट डायरेक्टर सिग्नेचर स्टैम्प जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन दिस डॉक्यूमेंट द रूल्स आर मैंशन, इसमें सारे तरह के रूल्स लिखे जाते हैं फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट मैंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी ऑब्जेक्ट हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो वो किस में मेंशन किए जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है। पब्लिक कंपनी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इफ रिक्वायर्ड इट कैन बी एक्सेप्ट टेबल ए, ठीक है, टेबल ए जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। पहले टेबल एफ था, अब टेबल ए हो गया है। कितने इन प्लेस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन दिस कंडीशन, पर अगर आपकी कंपनी ये टेबल ए बना नहीं रही, मान लो, ठीक है, टेबल सॉरी आपकी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया नहीं और आप टेबल ए जो है उसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपका आपके जितने भी रूल्स हैं इसमें वो एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग टू ही चलती है, ये कंपनी एक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्ट है उसके टेबल ए के अकॉर्डिंग टू ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया। तो जब भी रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा ना, वो उसके ऊपर लिख देगा रजिस्टर्ड विदाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वो लिखेगा कि इनकी कंपनी को मैंने रजिस्टर किया है पर इनका कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, ये टेबल ए को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर ऑफिस, अब हमें ना पहले हमने डिसाइड किया था स्टेट किस में लगाना है वो, अब हम ये देखेंगे कि कौन से प्लेस, कौन सी जगह पे, जैसे कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने पंजाब में लगाना है, फिर हम ये प्लेस देखेंगे कि हमने पंजाब में कहाँ पे लगाना है, पटियाला में लगाना है, ठीक है ना, अपना वो मानसा में लगाना है। तो प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर ऑफिस ये देखेंगे हम, फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हमने 30 डेज़ के विदिन 30 डेज़ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दे देनी है ये इन्फॉर्मेशन कि हमने डिसाइड कर, हमने पहले डिसाइड किया था कि हमने यहाँ पे लगाना है, अब हमने यहाँ पे इस प्लेस पे अपना रजिस्टर ऑफिस लगा लिया है। नेक्स्ट उसके बाद है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कहते हैं लिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू वर्क, जो एग्रीड कर गए हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपके एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए तैयार हैं आपकी कंपनी को, इज सेंड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है कि कौन कौन से हमारे डायरेक्टर्स होंगे। इन दिस लिस्ट नेम एड्रेस एंड अदर डिटेल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर मैंशन, ठीक है, डिटेल लिखी जाती है उसके बीच में। तो कहते हैं इन द प्राइवेट कंपनी दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं है। नेक्स्ट रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एक रिटन कंसेंट देते हैं जो अकॉर्डिंग टू 2013 जरूरी नहीं है। अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स द रिटन कंसेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी सेंड, ये भी हम भेजते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड, ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन, ये जो कंसेंट है वो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने अंडर राइटिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, अंडर राइटिंग का मतलब लिखित में, जैसे ऊपर बोला गया है ना कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो रिटन में कंसेंट अपना लिख के भेजते हैं, तो वो कितने शेयर खरीदेंगे वो भी वो क्या करते हैं, रिटन में लिखते हैं जो आपके वो होते हैं डायरेक्टर्स। कहते हैं अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंड विच प्रोमिस इज मेड
मेड बाय द डायरेक्टर टू टेक क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इतने शेयर लेने के लिए तैयार हैं एंड मेकिंग पेमेंट फॉर दीज शेयर, और वो मेक करते हैं इस जो भी शेयर लेने के लिए तैयार हैं वो पेमेंट देते हैं उसमें। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंसेंट देता ही नहीं है हमारी प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी में भी नहीं ज़रूरत है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेवेंथ, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजीरियल पर्सोनल। मैनेजीरियल पर्सोनल का मतलब जो हमारे मैनेजमेंट में काम करेंगे, जो हमारे मैनेजर्स होंगे, ठीक है, उनका भी एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट होता है, उनके साथ भी हमें अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ती हैं। इफ़ कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर, अगर कंपनी डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाएगी, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट अलग होगी, शेयर होल्डर्स अलग होंगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स, देन अ कंपनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम इज फील्ड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है। ये भी हम फिल कर देते हैं, किसको भेज देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक फाइल में लगा देते हैं, प्राइवेट कंपनी को ये रिक्वायरमेंट नहीं है देने की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट उसके बाद है स्टैचुटरी डिक्लरेशन। स्टैचुटरी का मतलब क्या होता है, लीगल, लीगल। ये जो हमारी डिक्लरेशन है वो लीगल है, सरकारी है, सॉरी कानूनी है, ठीक है, और हमें ये देनी पड़ती है डिक्लरेशन लिख के, कंसेंट लिख के। एट दिस टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अ स्टैचुटरी डिक्लरेशन इज सेंड टू रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग दैट ऑल द स्टैचुटरी ऑब्लिगेशंस हैव बीन कंप्लीटेड। जो भी हमारे एक्ट 2013 में हमें रिक्वायरमेंट मांगी गई थी वो सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी हैं वन बाय वन। ये सारी रिक्वायरमेंट एक जो आपकी फाइल है उसमें डाल के और ये डिक्लेरेशन लिख के कि आपकी द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशंस, जो भी आपके जो लीगल वो थे डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने सारे फिल कर इस फाइल में लगा दिए हैं और इसके में दी गई सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। और नीचे जो है हमारे डायरेक्टर क्या कर देते हैं, अपने सिग्नेचर कर देते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। ये फाइल तैयार हो गई है, अभी हमने देखा था ऊपर कि फाइल तैयार करने के बाद हमने ये सारी फाइल तैयार करके किसके पास भेज देनी है, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, ठीक है। अब कहते हैं लॉन्ग विद अबव डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट्स लगा के अ प्री डिटर्म्ड फी। प्री डिटर्म्ड का मतलब जो पहले ही बताई जाती है, एक्ट में बता रखी है कि इतनी फीस लगेगी, सो ऑल्सो सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हम भेज देते हैं। दिस फीस इज डिपोजिटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी प्री डिटर्म्ड होती है वहाँ पर लिखी जाती है उसको हम, ये जो आपका जो स्टेट है वो किसको भेज देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज देती है। दिस रेट ऑफ फीस आर गिवन इन, किस में लिखा हुआ है, शेड्यूल 10th में लिखा हुआ है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज, अब आपने सॉरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपने फाइल तैयार कर दी, आपने फीस भी रख दी ऊपर, ठीक है, सबमिट करवा दिया आपने, सारी फॉर्मेलिटी होगी, रजिस्ट्रार चेक एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, वो चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंस्पेक्शन होगी, प्रॉपरली इंक्वायरीज होंगी रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इफ इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी, अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई इन्होंने सब कुछ बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, कोई इसमें भी फ्रॉड नहीं है, कोई इनके इंटेंशंस नहीं है फ्रॉड की, ठीक है, तो द अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अ CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है आपको इज इशू टू द कंपनी, ठीक है, तभी आपकी कंपनी की क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब रजिस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या फ़ायदा है हमें रजिस्ट्रेशन का, कंपनी बिकम एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, कंपनी की एक अलग से पहचान हो गई है, कंपनी भी हमारी तरह एक पर्सन बन गई है, पर वो कौन सा पर्सन है, नेचुरल नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो किसने बनाया है, ला ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, ठीक है, तो ये हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं एज अ प्रूफ। और कंपनी बिकम अ आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है और क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड अ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कितनी इसकी जो आइडेंटिटी है वो इसके मेंबर से बिल्कुल अलग होगी। क्यों अलग होगी, कंपनी अपने नाम से खरीदेगी, कोई भी चीज़ खरीदी जाएगी उस पर कंपनी की स्टैंप लगी होगी और कंपनी के दो डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे,
होंगे इन केस ऑफ प्राइवेट और 7 डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे इन केस ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो वो अपने किसी अपने नाम से कुछ भी खरीद सकती है, किसी को बेच भी सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई और भी इसके ऊपर केस कर सकता है। तो आइडेंटिटी जो है ऑफ द कंपनी बिकम परमानेंट। अब कंपनी क्या होगी, उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट होगी है, वो परपेक्चुअल सक्सेशन बन गई है, उसके जो शेयर्स हैं वो फुली ट्रांसफरेबल हैं, कोई भी खरीद सकता है। अब प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। अब लो जी, कंपनी जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा ओपीसी और प्राइवेट कंपनी जो है वो तो शुरू हो गई आज से ही, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो भी शुरू कर सकती है अगर उसने जो आपके शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू नहीं करने, पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं करना, तब तो वो कर सकती है। पर अगर उसने सब्सक्राइब्ड करनी है अपनी शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, फिर नहीं वो शुरू कर सकती। फिर तो वो क्या करेगी, इसके बाद इसको कंपनी सॉरी रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद उसके पास 90% ऑफ जो शेयर कैपिटल है वो सब्सक्राइब्ड हो जानी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए। अगर उसके पास 90% से कम सब्सक्राइब्ड हो रही है शेयर कैपिटल, फिर तो रजिस्ट्रार उसे कभी भी परमिशन देता ही नहीं, ठीक है। और अगर 90% से अबव उसके पास जो उसकी वो है शेयर्स हैं, उसकी शेयर कैपिटल उसके पास पहुँच गई है, उसे मिल गए हैं पैसे पब्लिक से, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसकी तरफ से उसे मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और कंपनी शुरू हो सकती है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इकट्ठी करनी पड़ती है, वैसे सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है, लोगों से चंदा लेना, पर चंदा थोड़े ना ले रहे हैं हम, तो उनको वापस करेंगे ये पैसे, ठीक है, तभी हम यहाँ पे वर्ड कैपिटल लगाते हैं, क्योंकि पैसा आया है पर बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है, इन फ्यूचर बिजनेस ने ये पैसे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विच डज नॉट शेयर कैपिटल कैन कमेंस हिज बिजनेस, कहते कोई भी प्राइवेट कंपनी, अब हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी में तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है, जैसे हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में उसके मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स जो होते हैं वही पैसा लगाते हैं, इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें भी जो मेंबर्स होते हैं वही पैसा लगाते हैं, वो सारा हिसाब किताब पार्टनरशिप की तरह ही होता है। फ़र्क इतना होता है कि प्राइवेट कंपनी को हम जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, पर आपकी जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस तो हैं, पर यहाँ पे ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ये अपने मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करती है, पब्लिक से नहीं लेती, ठीक है। और इसी तरह से अगर पब्लिक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल जो है वो उसने पब्लिक से कलेक्ट नहीं करनी, तो वो भी जैसे ही उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, ठीक है। हैंस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो है एंड कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई ओनली टू पब्लिक कंपनीज, ठीक है। ये किस केस में आएगी, सिर्फ पब्लिक कंपनी केस में ही ये स्टेजेस आएंगी, और दूसरी जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसके केस में ये स्टेजेस नहीं आएंगी, बस वो तो शुरू होगी ऊपर ही जैसे ही उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अंडर द कहते कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जो प्रमोटर होते हैं हमारे, कितनी हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, वो अब क्या करेंगे, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी के द्वारा क्या इशू किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, ठीक है। आम लोगों को हम बुलाते हैं कि लो जी हमारे शेयर खरीदो और हमें पैसा दो। वन कॉपी ऑफ दिस सेंड टू द रजिस्ट्रार, इसकी एक कॉपी जो प्रोस्पेक्टस की है वो हम किसके पास भेज देते हैं, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के पास भेज देते हैं। बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर, इसी तरह हमारा जो एक बैंक होता है जिसकी हमने ऊपर अपॉइंट की थी, हमने देखा था ना अपॉइंटमेंट में कि हमने एक बैंकर अपॉइंट किया है कि ये हमारा बैंक होगा। द बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, ठीक है। अब हमने ऊपर अपॉइंटमेंट्स में देखा था कि हमने एक बैंकर को अपॉइंट कर लेना है, अब वो जो बैंकर है हमारा वो एप्लीकेशन रिसीव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जनरल पब्लिक को कंपनी पे विश्वास नहीं होता, वो पैसे किसको देना पसंद करती है, बैंक को, बैंक के ऊपर सभी को विश्वास होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सारे मुझे 500 रुपये दे दो, ठीक है ना, मैंने एक कंपनी शुरू करनी है, क्या आप दे दोगे, कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि कंपनीज लेके पैसे भाग जाती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बैंकर्स के ऊपर हमें विश्वास होता है, बैंक हमारे क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ़ द कंपनी रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब एटलीस्ट 90% ऑफ पैसे, ठीक है ना। कितने अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू, ठीक है। जितने भी शेयर आपने इशू करने हैं उसका कम से कम 90%, मान लो कि मैंने 10 लाख शेयर्स जो हैं, ठीक है, वो 10 लाख जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब्ड करनी है, 10 लाख रुपीज़ मैंने लोगों से इकट्ठे करने हैं, 10 लाख रुपए, ठीक है, जिसके लिए मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच के लोगों को क्या किए, इशू किए कि लो जी भाई आप मेरे ये शेयर्स ख़रीद लो। अब देखो 10 लाख का 90% कितना हुआ, 9 लाख, कम से कम 9 लाख रुपया, मिनिमम 9 लाख रुपया मुझे सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। अगर मुझे 9 लाख से कम शेयर पैसे सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं, पब्लिक मुझे दे रही है, तो कभी भी रजिस्टर ऑफिस से आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर 90% से अबव है फिर मिल जाएगी। द मिनिमम अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन टू द प्रोस्पेक्टस, कहते अब जो आपका मिनिमम अमाउंट जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि हमने इतना सब्सक्राइब करना, रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, देन डायरेक्टर पास अ प्रपोजल, ठीक है, तभी जो डायरेक्टर हैं वो प्रपोजल दे सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहुँच गई है, अगर 9 लाख रुपीज़ आपके बैंक ने इकट्ठे कर लिए हैं, तभी आप लोगों को, पहले तो आपके पास एप्लीकेशंस आया करती हैं शेयर्स की कि हाँ भाई हम इतने शेयर्स आपके शेयर ख़रीदना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप अलॉट करते हो लोगों को शेयर कि ठीक है मैं आपके इस पर्सन को शेयर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अलॉटमेंट जो है वो डायरेक्टर्स के द्वारा सिर्फ तब की जाती है अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू रजिस्ट्रार, जो रिटर्न है अलॉटमेंट की कि हम भाई इतने लोगों को अलॉट करेंगे, ये रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पर अगर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वही ना आए विद इन कहते 120 डेज ऑफ द इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब आपने इशू किए हैं प्रोस्पेक्टस 120 दिन के अंदर अंदर वो आपके पास मिनिमम पैसे आ जाने चाहिए, पर अगर आपके पास नहीं आए देन इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, तो कंपनी जो है वो शेयर अलॉट नहीं करती, इट हैज़ टू रिटर्न द मनी टू रिसीव द एप्लीकेशन, तो वो पैसे आपको पब्लिक को वापस करने पड़ते हैं जो आपको एप्लीकेशंस के मिले हैं। When a public company invite the general public to purchase the share of the company, it cannot allot the share till the time it receive the minimum subscription. जब तक आपकी minimum subscription receive नहीं होती तब तक आप allot नहीं कर सकते share public उसको general public को, ठीक है। This money is collected for the following purpose, क्यों collect किया जाता है ये पैसा, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, फॉर मेकिंग एसेट ऑलरेडी परचेज्ड, अब कंपनी ने ना प्रमोटर ने ऑलरेडी जो एसेट खरीद रखे हैं उसकी पेमेंट किससे करेंगे हम, जो ये पैसा इकट्ठा होगा हमें कैपिटल से, या फिर परचेज्ड बाय द कंपनी, या फिर अभी खरीदे नहीं है, अभी खरीदेंगे हम इन फ्यूचर इसी से खरीदेंगे, जितने भी एसेट है कंपनी की, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी खरीदना है हमने। नेक्स्ट है टू पे द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडररेटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसने किए हुए हैं, कंपनी के प्रमोटर्स ने, ठीक है, तो ये सारे प्रिलिमिनरी खर्चे हमने किस में से देने, अपनी कैपिटल में से, या फिर अंडरराइटर्स को कमीशन देनी है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो हमारे शेयर्स बिकवाते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम कमीशन जो देनी है वो किस में से देंगे, हम इसी पैसे में से देंगे। पर ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड करने की बात है, ये हमारे एक्ट में कहीं नहीं दी रखी कि प्रमोटर को कोई ऐसा पैसा हमने देना है। नेक्स्ट उसके नेक्स्ट टू पे द अमाउंट बोरोड फॉर द अबव टू पर्पस, अब आपने क्या किया, किसी बैंक से ना पैसे उधार ले लिए, ठीक है, और उस पैसे उधार लिए हुए पैसे से हमने या तो एसेट खरीद लिए थे, या अंडरराइटर को कमीशन देनी थी, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो प्रमोटर ने करने थे, तो इन सभी के लिए हमने जो बैंक से लोन लिया था, अब वो बैंक का लोन हम कैसे चुकाएंगे, जो हमारी कैपिटल आएगी। नेक्स्ट फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमारी दो तरह की जो हमारी कैपिटल है, जो
पैसा कलेक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो दो तरह की कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो पैसा आपने अपने एसेट के ऊपर लगा दिया, फर्नीचर खरीद लिया, आपने बिल्डिंग खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद ली, होती है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग सॉरी ये होती है फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट उसके बाद है वर्किंग। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो डे टू डे के काम के लिए, अब आपने गुड्स हैं, डेली गुड्स चाहिए होते हैं, ठीक है हमें, और वो गुड्स हैं अगर बिजनेस में ना हो, आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट तैयार कैसे करेंगे अपना, ठीक है। तो डे टू डे के काम के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर आपने 10 लाख रुपया बिजनेस में कलेक्ट किया है और उसमें से आपने देखना पड़ेगा कि हम कम से कम 7 लाख रुपया तो किस पे लगा देंगे, अपनी कैपिटल पे, फिक्स्ड कैपिटल पे, और 3 लाख रुपया हम किस में रख लेंगे एज अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे के काम के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कैपिटल कलेक्ट करनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है अमाउंट फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कंसीडर ओनली अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। ये सिर्फ वो पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन में, वो पैसा जो है वो माना जाएगा जो हमें कैश में मिला है। अगर मान लो कि हमें कैश ना मिलके किसी पर्सन ने हमारे शेयर खरीद लिए और उसके बदले में ना हमें फर्नीचर दे दिया या हमें बिल्डिंग दे दी उसके बदले में, तो फिर वो कंसीडर नहीं होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कंसीडर ओनली द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, द अमाउंट पेएबल इन एनी अदर फॉर्म एक्सेप्ट कैश, ठीक है, इज़ नॉट कंसीडर। मान लो उसने कोई फर्नीचर दे दिया आपके शेयर के बदले, कोई एसेट आपके पास आ गया है, तो वो आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट, इफ एनी कंपनी विद शेयर कैपिटल इज इशूइंग द प्रोस्पेक्टस देन कंपनी मस्ट सेंड अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती, ठीक है, तो वो प्रोस्पेक्टस की जगह इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। वो क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब एक फॉर्म होता है, सिर्फ एक फॉर्म भरवाना पड़ता है। अदरवाइज जो प्रोस्पेक्टस होती है उसमें आपकी कंपनी की एक इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, आपकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर काम कर रहे हैं, कंपनी की कैसी रेपुटेशन है, ठीक है, वो दिखाया जाता है सारा। पर स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में डिटेल नहीं दिखाई जाती, सिर्फ आपका एक फॉर्म होता है जिसमें शेयर्स के बारे में बताया जाता है कि आप इतने शेयर खरीद सकते हो कंपनी के, ठीक है। और ये अगर आपकी कंपनी ने ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, टू रजिस्टर एटलीस्ट 3 डेज इन एडवांस, तो आपको ये रजिस्ट्रार को ये भी सेंड करना पड़ेगा 3 दिन पहले टू फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिवेंचर। जैसे ही आप शेयर या फिर डिवेंचर अलॉट करना चाहते हो लोगों को, उस अलॉटमेंट से ठीक 3 दिन पहले आपने ये किसको दे देनी है, स्टेटमेंट और रजिस्ट्रार के पास पहुंचा देनी है स्टेटमेंट ऑफ इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आफ्टर दिस द कंपनी हैज़ टू कंप्लीट द अलॉटमेंट रिलेटेड टू जनरल प्रोसीजर, ठीक है। अब आप अपनी अलॉटमेंट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी जेब में पहुंच गई है, तो आप निश्चिंत होकर क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर दिस द कंपनी हैज़ टू कंप्लीट द अलॉटमेंट, वो कर सकती है रिलेटेड टू जनरल प्रोसीजर लाइक सेंडिंग अलॉटमेंट लेटर, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। और लोगों को जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट लोगों को मिल जाएंगे, आपके शेयर्स उनके पास पहुंच गए हैं, वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे फाइनेंस में कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जो इक्विटी खरीदती है वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के रियल ओनर, असली मालिक बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।